भारत में अगले कुछ दिनों में फेस्टिव सीजन शुरू हो जाएगा और त्योहारों के समय लोग बड़ी संख्या में अपने घर जाते हैं, जिस वजह से ट्रेनों में रिजर्वेशन मिलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रेलवे ने इसे ध्यान में रखते हुए गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ पूजा के लिए कई स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। इस बात का ऐलान सदर्न रेलवे ने किया और बताया कि त्योहारों को देखते हुए सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीने में दो वीकली स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाएगा, जिसके लिए यात्री रिजर्वेशन भी करवा सकते हैं। किन स्पेशल ट्रेनों का संचालन होगा, आइए जानते हैं आगे। देखिए, पहला है MGR चेन्नई सेंट्रल सत्रागची के बीच वीकली स्पेशल ट्रेन। ट्रेन नंबर 06089 चेन्नई से चलकर सत्रागची जाएगी। इस ट्रेन का संचालन हफ्ते में एक बार होगा। ट्रेन सितंबर से नवंबर के बीच कुल 13 बार दौड़ेगी। वही डाउन ट्रेन नंबर 06090 की वीक में एक बार दोनों स्टेशन के बीच चलेगी। दूसरा है ताम्बरन संतरागाची ताम्बरन के बीच भी स्पेशल ट्रेन। ये ट्रेन 06095 06096 सितंबर से लेकर नवंबर के बीच हफ्ते में एक बार संचालित की जाएगी। अप ट्रेन थर्सडे और डाउन ट्रेन फ्राइडे को संचालन की जाएगी। वही पटना से पुरी के बीच रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। पुरी से पटना के बीच ट्रेन नंबर 08439 ट्रेन का संचालन किया जाएगा। ट्रेन 5 अक्टूबर से 23 नवंबर के बीच संचालित होगी। वही पटना से पुरी हर संडे को ट्रेन नंबर 08440 का संचालन किया जाएगा। ये ट्रेन 6 अक्टूबर से 1 नवंबर तक दोनों स्टेशनों के बीच चलेगी। आपको बता दें कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी दी कि गणेश पूजा के त्योहार को देखते हुए रेलवे ने खास इंतजाम किया है। हर साल लाखों की संख्या में लोग मुंबई से कोकण के बीच गणेश पूजा के समय सफर करते हैं। ऐसे में इन ट्रेनों को कंफर्म टिकट देने के लिए रेलवे ने 342 पूजा स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला किया। PTI की खबर के मुताबिक बात करें तो इन सभी स्पेशल ट्रेनों का संचालन 7 सितंबर से होगा। इनमें से कोंकण रेलवे 7 स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने वाला है। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट में लिख के जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल पैसा लाइफ को अभी सब्सक्राइब कर लें।